हेलो फ्रेंड्स, मशरूम अपडेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एलोवेरा जेल का आइस क्यूब कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है एलोवेरा को स्टोर करने का और उसे डेली बेसिस पर यूज करने का। देखते हैं इस वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए इन्फॉर्मेटिव और रेसिपी वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। सबसे पहले मैं एलोवेरा को कट कर लूँगी। ये मैंने अपने स्मॉल गार्डन में ही उगाया है और एलोवेरा को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। बहुत आसानी से ये जल्दी ही ग्रो हो जाता है और मुझे लगता है कि ये सभी के घर में होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्किन के लिए, बालों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और स्पेशली वुमन के लिए तो ज़्यादा, क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं तब स्किन बर्न होने की समस्या ज़्यादा होती है। उसी टाइम ये बहुत ही अच्छा हेल्प करता है, इसमें हीलिंग पावर बहुत होता है और स्किन को रिकवर करता है, ग्लो करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसे ज़रूर उगाइए, ट्राई कीजिए। मैंने इसे कट कर लिया है, देखिए। अब हम इसको पील करेंगे और पील करने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। स्टिकी होने की वजह से इसे पील करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन यदि अच्छा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। देखिए अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में इसे निकाल देते हैं। मैंने ली है ये आइस ट्रे और आइस ट्रे में मैं इस एलोवेरा पल्प को ट्रांसफर कर लूंगी। ये रेडी है फ्रीज होने के लिए। 4-5 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाता है, देखिए। इसे फ्रिज में स्टोर करके आप इसका डेली बेसिस पर यूज कर सकती है। ये आपकी स्किन और हेयर को ग्लो करने में आपको हेल्प करेगा।